नवी मुंबई में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जल्द ही हरी झंडी मिलने की संभावना है। इसे लेकर बिल्डर्स ने अभी से ही इस इलाके के रिहायशी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ानी शुरू कर दी है। एक महीने के दौरान इस इलाके में रिहायशी प्रॉपर्टी की कीमत 300 से 500 रुपये प्रति स्क्वायर फीट तक बढ़ गई है। बिल्डर्स का मानना है कि हवाई अड्डे को मंजूरी मिलते ही इस इलाके में प्रॉपर्टी की मांग में और बढ़ोतरी हो सकती है। नवी मुंबई में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भले ही अब तक मंजूरी नहीं मिली हो, मगर इस इलाके में रियल एस्टेट के दाम पिछले 30 दिनों से चढ़ रहे हैं। पिछले एक महीने में नवी मुंबई के अलग अलग हिस्सों में मध्यम दर्जे के रिहायशी अपार्टमेंट्स की कीमतें प्रति स्क्वायर फीट 300 से 500 रुपए तक बढ़ी हैं, जहां पहले पनवेल, खारगर, सीबीडी बेलापुर, कमोठे और खानदेशवर जैसे इलाकों में 2000 से 2500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट चुकाने पर घर मिलता था, अब वही बढ़कर 2500 से 3000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट हो गया है। वित्तीय संकट के बावजूद प्रस्तावित एयरपोर्ट से दूर दराज इलाके जैसे आयरोली, कोपर खैराने और नेरुल में भी अपार्टमेंट्स की कीमतें 2700 रुपए प्रति स्क्वायर फीट से बढ़कर 3000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट पर बनी हुई हैं। बिल्डर्स का कहना है कि दुनिया भर के प्लान्ड सिटीज में हमेशा हाउसिंग की मांग रहती है। ओवर प्लानिंग इन दीस एरियाज वेदर इज टू मच यू नो ज़ोनिंग एंड टू मच ऑफ रिस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड इट बिकम्स लाइक मोर लाइक अ कॉलोनी। प्रॉपर्टी बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि कीमतें एयरपोर्ट को लेकर जारी अटकलों के कारण बढ़ी हैं, और जैसे जैसे नवी मुंबई और ज्यादा विकसित होगा तो कीमतों की ये बढ़ोतरी कमर्शियल स्पेस तक भी फैलेगी। साथ ही ये भी देखा गया है कि बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अक्सर प्रॉपर्टी के दाम बढ़ा देते हैं। अब 10 साल में थोड़ी बहुत एक्टिविटी ज़रूर वहाँ पर पिकअप हुई है, रियल एस्टेट थोड़ा बहुत ज़रूर ऑक्यूपाई हुआ है, मगर जितनी एक्सपेक्टेंसी है, जितनी आशा है, वो तो पूरी कभी नहीं उस हद तक हम जा पाएंगे जब तक हमारी कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरफ नहीं जा पाएगा। मुंबई के पास नवी मुंबई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोगों की पहली पसंद है। यहाँ पर एयरपोर्ट बनने की बात अभी शुरू ही हुई है, तो प्रॉपर्टी के दाम भी साथ ही बढ़ने लगे हैं। अधिकतर लोग अपने रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी शहर की भीड़भाड़ और शोरगुल से दूर शांति प्रिय वातावरण में बिताना चाहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर बिल्डर्स आजकल शहर के बाहरी इलाकों में रिटायरमेंट होम्स बना रहे हैं। बिल्डर्स के ऐसे प्रोजेक्ट में क्लब और कम्युनिटी सेंटर तो होते ही हैं, साथ ही अस्पताल और सत्संग के लिए हॉल भी होते हैं। प्रॉपर्टी की खरीदारी में 40 से 45 साल उम्र वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर लोग इस उम्र के आसपास पहुंचकर ही मकान खरीदने लायक जरूरी रकम जुटा पाते हैं। यही वजह है कि रियलिटी सेक्टर वरिष्ठ और बुजुर्ग नागरिकों को ध्यान में रखकर आवासीय परियोजनाएं बना रहे हैं। रियलिटी कंपनियां टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में ऐसी परियोजनाओं का निर्माण कर रही हैं, जिसमें वरिष्ठ नागरिक अपने रिटायरमेंट के बाद आगे की जिंदगी शहर के शोर और रोजमर्रा की परेशानियों से दूर बिता सकें। एक्चुअली इनकी जो शुरुआत हुई थी, ये एक्चुअली रिटायरमेंट होम्स नहीं हुई थी। जो बिल्डर्स की थिंकिंग थी वो ये थी कि हर परिवार चाहता है कि हम अक्सर मतलब अपने कोई रिलीजियस लोकेशन पे जा सकें, वृंदावन जा सकें। तो उस लेवल पे इन्होंने पहले तो होली अपार्टमेंट्स करके इनको स्टार्ट किया था, फिर देखा कि ज़्यादातर इनकी जो सेल हो रही है ये एल्डरली पीपल को हो रही थी और एल्डरली ऑक्यूपेंट्स से, तो वहाँ से ये आइडिया बॉर्न हुआ कि हम इनको रिटायरमेंट होम भी वहाँ बना पाएं। पिछले कुछ महीनों में चंडीगढ़ की रियलिटी कंपनियों ने बुजुर्गों को ध्यान में रखकर कई नई परियोजनाएं शुरू की हैं। वहीं दिल्ली में स्थित CHG डेवलपर एक्टिव सीनियर लाइफस्टाइल टाउनशिप नाम से आवासीय परियोजना लेकर आए हैं, जिसमें बुजुर्गों को ध्यान में रखकर मकान और विला बनाए जा रहे हैं। CHG डेवलपर अपनी नई परियोजनाओं को करनाल, ऋषिकेश, मथुरा और नीमराना जैसी जगहों में 7000 मकान और विला विकसित करने जा रहे हैं। इन अपार्टमेंट की कीमत 27 लाख रुपए से तकरीबन 75 लाख रुपए के बीच में होगी। वहीं पंचकुला स्थित ओपेरा CCPL समूह भी बुजुर्गों के लिए रिटायरमेंट होम्स और कासा गोल्ड नाम से आवासीय परियोजनाओं को लेकर आ रहे हैं। इन फ्लैट्स की शुरुआती कीमत तकरीबन 15 लाख रुपए रखी गई है। ये अपार्टमेंट 55 साल से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। आशियाना हाउसिंग भी बुजुर्गों के लिए पुणे में खास रिसॉर्ट्स का निर्माण कर रही है।
उत्सव नाम की इस परियोजना में फ्लैट की शुरुआती कीमत तकरीबन 26 लाख रुपए रखी गई है। वहीं LIC HFL केयर होम्स सीनियर सिटीजन के लिए बेंगलुरु में इंडिपेंडेंट कॉटेजेस का निर्माण कर रही है। LIC HFL केयर होम्स कोची, भुवनेश्वर, कोलकाता, हरिद्वार और दिल्ली में भी रिटायरमेंट होम्स बनाने की योजना पर काम कर रही है। इन मकानों की कीमत फ्लोर के एरिया और लोकेशन के आधार पर रखी गई है। जानकारों का मानना है कि सीनियर सिटीजन का बाजार बाकी रियलिटी मार्केट से कम चुनौतीपूर्ण है। आफ्टर रिटायरमेंट आपका रेगुलर इनकम बंद हो जाता है। रेगुलर इनकम बंद होने से आपको, यू वांट टू लिव इन ए प्लेस जिसके ऊपर आप आपकी अफोर्डेबिलिटी वर्क करती हो। अगर आप कंटिन्यू करेंगे दिल्ली में रहने के लिए तो आपको यू विल हैव टू स्पेंड मच मोर मनी, एंड इफ़ यू डिसाइड टू गो एंड स्टे ऑन आउटस्कर्ट ऑफ ए सिटी, सिटी के आउटस्कर्ट पे जाने पे आपका नंबर एक खर्चा कम हो जाता है, नंबर दो आपके लिए एक पीसफुल सा लाइफ हो जाता है। NCR में भी कई रियलिटी कंपनियों ने ऐसे मकानों का निर्माण शुरू किया है जो विशेष तौर पर बुजुर्ग लोगों के लिए है। इन परियोजनाओं में बिल्डर सत्संग के लिए हॉल और घूमने टहलने के लिए पार्क जैसी सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हैं। साथ ही इनमें अस्पताल, होटल, क्लब हाउस, मल्टीप्लेक्सेस, ऑफिस की सुविधा भी दी जाती है। प्रॉपर्टी प्लस के लिए शिल्पी दुबेजा। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में किस तरह के हैं फ्लैट्स, साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी कुछ खबरों पर डालेंगे एक नजर, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी प्लस।